के 10 बरिस के पहले भर नहीं आवत रही, अब यह 5 साल से बाद यहाँ गांव में चढ़ाई करे लेकिन हमेशा आवत ही करने खतरा कई दिए हैं लोग के निपटे हैं बदे के आफत कर रही हैं उन्हें टूट पड़ा थे निपटे में आफत कर रहे हैं। अच्छा आपको क्यों लगता है कि भालू क्यों आ रहे हैं 5 साल से भालू क्यों आ रहे हैं? पता नहीं साहब कहे आ रहे हैं ये नहीं मरज हम लोग नहीं पाए रहे हैं काहे बदे आवत हैं यहाँ मने खाई आवत है इनके महुआ महुआ सहुआ नहीं बाकी मने के ज़्यादा जोर मारत है। अच्छा तो भालू से कुछ वहाँ पे आपको नुकसान होता है भालू से? भालू से नुकसान ये है नुकसान होता है कि मार देते हैं कितना मारा है बोले कि 2-3 साल में कितने लोगों को खाली किया उसने? अरे 2 साल के अंदर अंदर 200 आदमी खाई साल भर में साहब कम से कम 3-5 आदमी मारती है भालू। नहीं मर जाता है कि घायल होता है? घायल हो जाता है किसी का जांग खा लेता है किसी जांग किसी का आग लेता है किसी का पूरा पूरा निकाल देता है। अच्छा और जो जैसे जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए तब कुछ मुठभेड़ होता है? हाँ मुठभेड़ हो जाता है। कि पिछले 10-12 साल में कि जंगलों की स्थिति में क्या बदलाव आया है? बहुत पहले रहा साहब बढ़िया रहा है बाकी स्थिति बदल गया है। क्या बदल गया? वही ये बदल गया है कि जंगल नहीं रह गया है कटने काटे जा रहा है सब जलान हुआ चला जा रहा है जंगल का कुछ नहीं है। हम लोग को बकरिया जाते हैं एकदम कहा कहते छंकते पथरी अपने घरे लौट जाती है वहाँ जंगल में कुछ ही नहीं है तो वह यहाँ तहत भला घास पत्ता पाई जाती है वहाँ जंगल में कहाँ पावत है जंगल सब खत्म हुआ जा रहा है। हाँ भाई लाखों गाय गोरू बकरी जंगल का हमारा जंगल और तो सब सही है लेकिन दिन पर दिन प्रतिदिन हमारा जंगल खत्म हुआ जा रहा है। ये पिछले 10-20 सालों में क्या जंगल में क्या बदलाव आया है? जंगल में जो जंगल था पहले वो जंगल अब नहीं है जंगल कम हो गया है। जहाँ पर भालू बंदर या पशु पक्षी जी जाते थे एक बार ये दाना नहीं मिलता गांव में तो लोग जंगल से फल से जी जाते हैं जैसे बेल वगैरह जंगल में मिलता है आज वो बेल वगैरह नहीं मिल रहा है लेकिन पहले ऐसा था कि बेल मिल जाता था बेल खा करके अपना ज़िंदगी बिता लेते थे लेकिन आज वो बेल नहीं मिल रहा है। और तेंदू का जो पत्ता है जो बीड़ी बनता है ये फल भी इसमें होता है तो फल भी खाते थे उस समय पर आज वो भी नहीं मिल रहा है। जंगल माने कि जंगल जवाब दे दिया है कि हम आप लोगों को नहीं बचा पाएंगे हम आप लोगों को भोजन नहीं दे पाएंगे इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है जो जंगल उजड़ा जा रहा है उसमें पेड़ पौधा ऐसा ऐसा फलदायक लगाइए जैसे अनार है आम है इमली है और ऐसे ऐसे फलदायक पेड़ लगाएं ताकि उससे फल मिले और सब लोग कहीं कोई प्रकार का सूखा पड़ गया और ये दाना नहीं हो रहा है गेहूं नहीं हो रहा है चावल धान नहीं हो रहा है तो जंगल भी हमें जिया दे इसलिए फलदायक पेड़ लगावा जाए। सब क्या लगता है जंगल क्यों जंगल खत्म हो रहे हैं? जंगल खत्म ऐसे हो रहा है कि आग लग जा रहा है। आग कौन लगा रहा है? आग कहीं जैसे बांस लगा है जंगल में तो बांस घिर कर जेठ बैसाख के दिन में गर्मी के दिन में बांस में घुर्री देता है तो उसी में आग उठ जाता है। अच्छा इससे जंगल जल जाता है। तो आग तो पहले भी लगता होगा 10 साल पहले? हाँ तो पहले से ही धीरे धीरे आग लगते लगते कई बार आग लग गया इसी से जंगल खत्म हो जा रहा है। तो फलदायक पौधा लगेगा तो उसमें से आग नहीं तैयार होगा बांस के पेड़ में आग तैयार होता है लेकिन जब आम लगेगा अमली लगेगी या फलदायक जो भी है ये पौधा लगेगा तो इसमें से आग नहीं तैयार होगा।